हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज नेटू कम्बोज एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये ब्यूटीफुल सा समर स्प्रिंग मेकअप लुक, और यू कैन से कट क्रीज मेकअप लुक। एंड ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, सो चलिए देखते हैं। एंड इसके लिए मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंशन कर दूँगी, मैं लिंक आपको दे दूँगी जो भी मैंने पैलेट यूज़ की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रेड शेड ली है, अपने आउटर को मैं इसे डिफाइन कर रही हूँ, एक वी शेप मैं डिफाइन कर रही हूँ इस छोटे से ब्रश के साथ जो कि पेंसिल ब्रश है। एंड आई मेकअप के लिए मैं प्रेफर करूँगी बिल्कुल लाइक इस टाइप का ब्रश जो आउटर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है एंड एक प्रिसाइज एप्लीकेशन इससे मिलती है। तो इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एंड एक वी शेप मैंने क्रिएट किया है। सो आउटर टू इनर मैंने ये शेड अप्लाई किया है, यू कैन सी। एंड इसके बाद मैं ये ऑरेंज शेड ले रही हूँ और इसे मैं थोड़ा सा अपनी जो क्रीज लाइन है वहाँ पर डिफाइन कर रही हूँ ताकि एक डुअल लुक आए और ब्यूटीफुल ये लगता है। आप सिंगल शेड भी यूज़ कर सकते हो, ये भी ज़रूरी नहीं है यूज़ करना, बट मैं इसे यूज़ कर रही हूँ ताकि प्योर लुक आए। मैंने ऑरेंज शेड लिया है, इसे मैं अच्छे से मर्ज कर दूँगी और ताकि वो बिल्कुल अलग से ना दिखे, तो ये मर्ज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके बाद मैं ये ब्लैक आई शेडो यूज़ कर रही हूँ एक अपनी जो क्रीज लाइन है, क्योंकि मेरी हुडेड आइज़ हैं और अगर आपकी भी हुडेड आइज़ हैं मैं यहाँ पर एक डीप क्रीज क्रिएट कर रही हूँ ताकि जब भी मैं अपनी क्रीज को कट करूँ वो ईजिली कट हो जाए। और जो ये ब्लैक आई शेडो है इसको भी अच्छे से आपको मर्ज करना है, बिल्कुल ऊपर नहीं लेके जाना है, जस्ट आपकी जो क्रीज है आपको जस्ट वहीं पे से अच्छे से ब्लेंड करना है। एंड ये मैंने ब्रश लिया है ताकि बिल्कुल एक हार्ड लुक, हार्श जिसे हम बोल सकते हैं, हार्श लाइंस बोल सकते हैं, वो ना दिखे। और इसे मर्ज करना है, आप जो मैंने ऑरेंज शेड ली है वो मैंने दोबारा से शेड लिया था इस ब्रश की हेल्प से, तो मैं इसे ऐसे अप्लाई कर रही हूँ। एंड ये हाइड्रो बूस्ट है न्यूट्रोजेना का, न्यूट्रोजेना सो इस ईयरबड की हेल्प से मैं एक शार्प लुक क्रिएट कर रही हूँ, एजेस को क्लीन कर रही हूँ ताकि एक ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट हो। एंड अगर आपके साथ भी ऐसे होता है तो आप बिल्कुल इसे यूज़ कर सकते हैं या बेबी ऑयल के साथ भी आप क्लीन कर सकते हो। एंड जो जहाँ से मैंने क्लीन किया है तो वहाँ से फाउंडेशन भी उतर गया है, तो दोबारा से मैंने आप फाउंडेशन या कंसीलर ले सकते हो। और तो मैं यहाँ इसे क्लीन कर रही हूँ ताकि वो मैंने यहाँ से क्लीन किया था वो अलग ना दिखे, फाउंडेशन के साथ मैच हो। और इसके बाद डेरोल का मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एंड ये जो कंसीलर है ये मैं यूज़ करूँगी अपनी क्रीज को कट करने के लिए। एंड ऐसा कोई भी ब्रश की हेल्प से अगर आप परफेक्ट हैं आई मेकअप में और या फिर आप परफेक्ट भी नहीं हैं, डजेंट मैटर, आप कोई भी पतला सा ब्रश ले सकते हो, बट आपको प्रैक्टिस की नीड होगी, प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है अगर आपको कट क्रीज सीखना है, तो आप कोई भी ब्रश के साथ कट क्रीज क्रिएट कर सकते हो अगर आप परफेक्ट हैं। तो इसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे क्रीज को कट किया है एंड हाफ कट क्रीज में क्रिएट कर रही हूँ, बिल्कुल प्रिसाइज, बिल्कुल जो दिखने में भी सुंदर लगे और सफाई के साथ। बिल्कुल मैंने यहाँ पे क्रीज को कट किया है, बिल्कुल आपको मैंने दिखाया है कि कैसे मैंने क्रीज को कट किया है, तो आपको भी ऐसे ही करना है जिस तरह से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। एंड अगेन मैंने ये ऑरेंज शेड यहाँ पर लिया है, पीच कह सकते हो, तो इससे मैं अपने आउटर जो थर्ड मेरा आई का आउटर है उस पे मैं अप्लाई कर रही हूँ एक आप कह सकते हो कि जो ये कंसीलर है कि वो ये ना लगे कि हाँ कि हार्श लाइन दिख रही है, वो हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए मैं इस
आई शेडो को अप्लाई कर रही हूँ और वहाँ से एक सॉफ्ट लाइंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ इस आई शेडो की हेल्प से। एंड ये आप येलो आई शेडो देख रहे होंगे, ये मैं अपने इनर में अप्लाई करूँगी और ये बहुत ब्यूटीफुल आई शेडो है। ज़रूरी नहीं है आप यही पैलेट यूज़ करें, आप कोई और पैलेट भी यूज़ कर सकते हो। और तो मैंने अपने इनर में ये आई शेडो अप्लाई किया है जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है। एंड इसके बाद मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, बिल्कुल थिन लाइनर में अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ जो कि लिक्विड लाइनर में यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड बिल्कुल क्योंकि मेरी हुडेड आइज़ है, आपको बिल्कुल पतला लाइनर यूज़ करना है। अगर आपकी हुडेड आइज़ नहीं है तो आप दिल खोल के यूज़ करिए। एंड हुडेड आइज़ पे बट बिल्कुल पतला सा ही लाइनर अप्लाई होता है। इस तरह से मैं विंग को क्रिएट कर रही हूँ। मतलब इस आई लुक में मैंने आपको कट क्रीज भी दिखाया, लाइनर कैसे अप्लाई करना है वो भी दिखाया। परफेक्ट एक ये वीडियो बनी है। इसके बाद मैं जेल लाइनर अप्लाई कर रही हूँ अपनी वाटर लाइन पर। आपके पास कोई और लाइनर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। और ब्रश की हेल्प से जो बैक साइड होता है ब्रश का, वहाँ से मैंने पहले इसको क्लीन किया है अच्छे से, देन मैंने अप्लाई किया है। और इसके बाद रेड जो आई शेडो थी वो अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। एंड इसके बाद थोड़ा सा मैं येलो शेड भी अप्लाई कर सकती थी बट सिंगल शेड भी ब्यूटीफुल लगती है। देन अपने लैश लाइन को कर्ल कर रही हूँ इस कलर की हेल्प से। एंड देन मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ और हर वीडियो में मैं आपको मस्कारा ज़रूर दिखाती हूँ। इस वीडियो में मैंने नहीं दिखाया है सो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूँगी। एंड बट ये जो मस्कारा मैं अप्लाई कर रही हूँ ये है मेबेलिन नियो का मस्कारा। एंड डेफिनेटली मैं आपको मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो अपने इनर कॉर्नर्स को मैं हाईलाइट कर रही हूँ और बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो आई मेकअप अधूरा ही है। एंड हियर इज़ द फाइनल लुक एंड प्लीज़ इग्नोर माई आई लैशेज। बहुत जल्दी में मैंने आई मेकअप किया था एंड आई लैशेज भी बहुत जल्दी में लगाई थी, सो प्लीज़ इग्नोर इट। सो आई होप गाइज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और लास्ट मैंने वीडियो हेयर केयर एंड स्किन केयर पे भी डाली है, सो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको स्किन और या फिर हेयर की प्रॉब्लम है तो ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।